मैंने कोर्स किया था सर, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपको फोन करके बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह। 6 6 6 इंटरव्यू बहुत जबरदस्त हुआ था मेरा, 6 नंबर पे देखें। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। मैंने चेक नहीं किया अभी। मैंने बहुत अच्छा मैंने 55 में से 6 नंबर पे आया है। मुबारक हो आपकी फैमिली को भी। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंटरव्यू बहुत जबरदस्त हुआ था ना मेरा। वो शेयर करना बाद में, टाइम निकाल के आप मुझे वो सारी चीजें भेज देना कि आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था, जैसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। सही है, सही, श्योर सर। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई साहब, आपने सुन लिया, अब मैं आपको ये रिजल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये सारी मेहनत कैंडिडेट की अपनी होती है। मतलब हम अगर कोर्स दें या किसी, कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, स्ट्रगल, ये वीडियो बनाने का मकसद सिंपल ये है कि आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। मेहनत अगर आप करेंगे ना, तो इसी तरह आपको मेरिट पर जॉब मिलेगी। आपके सामने 6 पोजिशन आई है और ये हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट थी, तो ये देखें खुशी होती है कि जब स्टूडेंट बता दे। काफ़ी हम तो पूछते नहीं है स्टूडेंट्स के, क्योंकि ये इनका पर्सनल इशू होता है कि उनकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है। कुछ कैंडिडेट्स एक्सपोज नहीं करते, बाद में फिर पता चलता है आप लोगों को कि इसकी सिलेक्शन हो गई, अगर वो आपसे रिलेटेड है, आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई फ्रेंड है। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद सिंपल ये है कि आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए SST का, लेक्चरर का, HM का। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% देना, आपको जॉब 100% मिलेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने खुद ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जॉब ली है। मैं आई एम प्राउड सन ऑफ अ पियान, ठीक है ना। हमारे अबू पियान थे, तो हमने मेहनत की, 3-4 जॉब्स ली और उसके बाद ये लेक्चरशिप मिली। अब AP 18 ग्रेड हमें मिला है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आप भी लोग मेहनत करें, जैसे इन्होंने हमें बताया, इसी तरह आप भी मेहनत करें, आपको भी ज़रूर मिलेगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप SST का, लेक्चरर का, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरिटी से, कमिटमेंट से, ऑनेस्टी से करें। और इसी तरह आप भी दोस्तों को, फैमिली को, सबको गुड न्यूज़ देंगे। अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप हमें भी गुड न्यूज़ देंगे कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई है। क्योंकि मेहनत आपको करनी होती है, कोर्स लेने के बाद आपको काम करना होता है, और सिंसियरिटी से करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देख लें, ये वाला रिजल्ट है, ये 21 तारीख लिखी हुई है ना, ये मेल का है, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ये मेल का है और उसके नीचे यहाँ फीमेल का है ना, इनकी देखें, ये 6 पोजिशन आई है इनकी। तो इनको, फैमिली को, इनको हम कांग्रेचुलेट करते हैं। और सारे बच्चे जिन्होंने भी मेहनत की है उनका नाम ज़रूर आया होगा। तो ये आप लिस्ट देख लें, टोटल इन्होंने बताया है कि टोटल सीटें हमारे पास अभी बची कितनी हैं। डिसेबल की 2 बची हैं इनके पास, माइनॉरिटी की 2 अर्बन में बची हैं, और उसके नीचे डिफरेंटली एबल पर्सन फीमेल की 2 बची हैं, 1 सीट माइनॉरिटी कोटा अर्बन की बची है। तो सीटें देखें बची भी हैं, तो मतलब कि ये कैंडिडेट माइनॉरिटी वाले या डिसेबल में मेल फीमेल कुछ बची भी हैं, बाकी इन्होंने सारी सिलेक्शन आपके सामने रखी है।